नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो बाबा को जल चढ़ाने आ रहे 10 महिला सहित 13 श्रद्धालु सड़क हादसे में हुए घायल, हालत गंभीर। देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग चानन थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। इस हादसे में 10 महिला सहित 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले चानन CHC में भर्ती कराया गया, वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि सभी घायल बिहार के पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड अंतर्गत गढ़िया बालवा गांव निवासी हैं। ये सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर पिकअप वैन से बाबा धाम पूजा करने आ रहे थे। गाड़ी की गति अधिक होने के कारण एक तीखी मोड़ पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे एक बिजली के पोल से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी पर सवार लगभग सभी लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से इन्हें इलाज के लिए पहले चानन CHC में भर्ती कराया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल करने की मांग। बस चालक कल्याण संघ व झारखंड मोटर मजदूर यूनियन की बैठक काटाटोली बस स्टैंड परिसर में बैठक हुई। संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा व सचिन राणा बजरंगी ने झारखंड में जल्द से जल्द अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल करने की मांग की है। लंबी दूरी की बस नहीं चलने से चालक व अन्य कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। संघ मुख्यमंत्री व मंत्री से लिखित रूप से मांग कर चुका है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर बस चालक व कर्मचारियों को प्रति माह 5,000 रुपये व खाद्य पदार्थ दिए जाएं, लेकिन अब तक झारखंड सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई है। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर बस सेवा शुरू की गई है, लेकिन अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल नहीं की गई है। तो आप भी अपने सुझाव दें कि अभी जो है राज्य में अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होनी चाहिए या फिर अभी नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव केस मिले, सर्वाधिक रांची से। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 32 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इसमें सबसे अधिक रांची से 10 मरीज मिले हैं। वह 42 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी है। अब राज्य में 327 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब तक झारखंड में 346,649 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। नए संक्रमितों की बात करूँ तो बोकारो से 2, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्व सिंहभूम में 5, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 1, लातेहार से 1, पाकुड़ से 1, पलामू से 1, रांची से 10 और साहिबगंज से 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गिरिडीह में डूबने से छात्र की मौत, कुलमती नदी में बने बांध में नहाने के दौरान हुआ हादसा, चाचा ने शोर मचा, लोग को दी घटना की जानकारी। पिरिटाण थाना क्षेत्र के कुम्हारलालो कर्णपुरा गांव के 7वीं के छात्र बंटी रजक 13 वर्षीय की सोमवार को कुलमती नदी में बने बांध में डूबने से मौत हो गई है। बंटी अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने गया था। छात्र को डूबता देख उसके चाचा ने शोर मचा, लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बंटी का शव बाहर निकाला है। बंटी अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए अपने घर से कुछ दूर पर स्थित डैम गया था। इसी दौरान नदी में नहाने के क्रम में बंटी रजक नदी में बने चेक डैम के होल में फंस गया। तभी जो है बगल में बकरी चरा रहे बंटी के चाचा जो डोमन रजक को घटना की जानकारी मिली। डोमन रजक ने आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाया और घटना के बारे में बताया। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की काफी भीड़ हो गई। लगभग 2 घंटे के मशक्कत के बाद बंटी रजक का शव बाहर निकाला गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गरीब बच्चों में स्मार्टफोन बांटे गिराज पुलिस, शुरू किया गया मोबाइल बैंक। झारखंड पुलिस की अनोखी पहल इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य के प्रत्येक थाने में मोबाइल बैंक बनाया जा रहा है। इस मोबाइल बैंक में समाज की सहायता से नए और पुराने मोबाइल जमा कराए जा रहे हैं। जमशेदपुर में केवल 6 दिनों में ही 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जमा कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 2 लैपटॉप भी थाने में जमा कर दिया गया है। जमा किए जा रहे मोबाइल और लैपटॉप को आगामी आदेश के बाद बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा। कोरोना के कारण अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल या लैपटॉप आवश्यक है, किंतु गरीब तबके के बच्चे इसका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। बच्चों के इस दर्द पर मरहम लगाने का कार्य झारखंड पुलिस ने किया है। प्रत्येक थाने में मोबाइल बैंक बनाया गया है, जहां इकट्ठा मोबाइल या लैपटॉप को गरीब बच्चों में वितरित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 वाहन चालकों से बदमाशों ने की थी लूटपाट। पुलिस ने 3 को पकड़ा, 1 अभी भी फरार। कोलेबिरा पुलिस ने वाहन लूटकांड के आरोप में सोमवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों पर आरोप है कि 5 वाहन चालकों से इन्होंने 1,000 रुपये की लूट की थी। आरोप में से 1 पुलिस गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। कोलेबिरा जो है डांगू टोली मेन रोड स्थित जो है हरदीबेड़ा
रुड़की नदी के पास 16 जुलाई की रात अपराधियों द्वारा 3 डंपर, 1 चार पहिया और 1 जो है मोपेड सवार से मोपेड समेत हजारों रुपए की लूटपाट की गई थी। इस संबंध में पीड़ितों द्वारा कुलबीरा थाना में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो स्कूलों में चयनित होंगे बाल गंगा मित्र। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बाल गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। यह बाल गंगा मित्र 30 जुलाई तक नामीम गंगे योजना अंतर्गत चलने वाले पौधारोपण पखवाड़ा में अपने स्कूल कॉलेज में पौधारोपण करेंगे। इसके लिए जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन पौधारोपण कार्यक्रम करने जा रहा है। इसमें गंगा नदी, इसकी जो है सहायक दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सभी नगर निकायों के सभी वार्ड और प्रखंड के सभी जो है गांव में एक एक जो है सर्वेक्षक गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। इस काम के लिए पार्षद, मुखिया, जल सहिया और आम नागरिकों को शामिल किया जाएगा। नगर निकायों और प्रखंड के सभी स्कूल और कॉलेजों में एक एक जो है बाल गंगा मित्र का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवजात और माँ की मौत पर एमजीएम में हंगामा। परिजनों ने कहा कि प्रसूता दर्द से तड़पती रही पर नर्स और डॉक्टर मोबाइल पर व्यस्त थे, किसी ने चेकअप नहीं किया। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एमजीएम जमशेदपुर अस्पताल के प्रसूति विभाग में इलाजरत महिला और 3 घंटे के नवजात की मौत के बाद परिजन आक्रोश में आ गए। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगा लोगों ने खूब हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता दर्द से तड़पती रही, कई बार नर्स और डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन सभी मोबाइल पर व्यस्त रहे, किसी ने आकर चेकअप नहीं किया। महिला का नाम गुड्डी मुखी है और वह जो है भालूबासा हरिजन बस्ती की रहने वाली है। प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजनों ने के 3 बजे एमजीएम में भर्ती कराया था। इधर परिजनों ने बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डूबने से मौत। रिमिक्स फॉल घूमने गए थे 6 दोस्त, डूबने से नामकुम के 2 युवक की मौत। खुट्टी के द्रिगढ़ा स्थित रिमिक्स फॉल में नहाने गए रांची के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से रविवार की देर शाम तक दोनों के शव निकाले गए। मृतकों की पहचान नामकुम के आरा गेट निवासी पंकज कुमार 24 वर्षीय और सुनील कुजूर 22 वर्षीय शामिल हैं। इन दोनों के साथ आए राम तिर्की ने बताया है कि वहां पंकज कुमार, सुनील कुजूर, जो प्रीतम, मृधा, घना और आकाश के साथ रिमिक्स फॉल घूमने गए थे। वे लोग जो सुबह 11 बजे 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी पर निकले थे। पंकज, सुनील, घना और जो है प्रीतम नहाने के लिए फॉल में उतर गए थे, तभी वे जो है पानी के तेज बहाव में फंस गए और घना और प्रीतम तो किसी तरह बचकर बाहर आ गए लेकिन पंकज और सुनील फंस गए क्योंकि दोनों को तैरना नहीं आता था और जो है दोनों की डूबने से मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जगह बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। तीसरी लहर चौखट पर हम ऑक्सीजन प्लांट के लिए अभी जगह ही बदल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। आईसीएमआर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर अगस्त में आएगी। इसको लेकर देश भर में तैयारी तेज कर दी गई है लेकिन झारखंड में इसकी रफ्तार काफी सुस्त दिख रही है। ऐसे में अगर अगस्त में तीसरी लहर आ गई तो उससे निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी परेशानी बनी थी। ऐसा न हो कि इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठाते ही रह जाए। पूरे देश में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। झारखंड में भी पीएम केयर फंड से 38 और अन्य स्रोत से 10 प्लांट जो है लगाने की तैयारी शुरू हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 30 जुलाई तक सभी प्लांट तैयार करने का लक्ष्य रखा है लेकिन झारखंड में यह संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि 6 प्लांट के लिए चयनित स्थल को ही बदल दिया गया है। बताया गया है कि जिन जगहों पर पीएम केयर फंड से प्लांट जो है लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था वहां पहले से ही प्लांट लग रहे हैं या स्वीकृत हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।